पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए पुष्प ही उत्तरदायी होते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर अर्थात पूर्ण पुष्प में निम्नलिखित चार चक्र पाए जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि पहला चक्र कैलिक्स अर्थात बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र कोरोला अर्थात दलपुंज, तीसरा चक्र पुमंग अर्थात एंड्रोसियम तथा चौथा चक्र जायांग अर्थात गाइनोसियम दिखाई दे रहा है। कैलिक्स की इकाई बाह्य दल अर्थात सेपल होती है। इसी प्रकार कोरोला की इकाई दल अर्थात पेटल होती है। एंड्रोसियम की इकाई पुंकेसर अर्थात स्टैमन है, जबकि गाइनोसियम की इकाई अंडप या कार्पल अर्थात स्त्री केसर या पिस्टल है। पुष्प में बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को सहायक अंग एवं पुमंग व जायांग को जनन अंग कहा जाता है। अब पढ़ते हैं पुमंग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम। पुष्प में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसरों के समूह को ही पुमंग अर्थात एंड्रोसियम कहा जाता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होते हैं, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान पराग कणों का निर्माण करते हैं। पुमंग को और अधिक समझने के लिए अब हम पुंकेसर अर्थात स्टैमन की संरचना का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक स्टैमन अर्थात पुंकेसर में तीन भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव कहते हैं। एंथर को हिंदी में परागकोष, फिलामेंट को पुतंतु तथा कनेक्टिव को संयोजी कहा जाता है। एंथर भाग प्रायः दो पालियों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर पॉलन सैक या एंथर सैक अर्थात लघु बीजाणु धानियां उत्पन्न होती हैं। इन धानियों में पराग कणों का निर्माण होता है। फिलामेंट अर्थात पुतंतु एक लंबी तंतुनुमा रचना है, जो एंथर से जुड़ती है। जिस स्थान पर फिलामेंट एंथर से जुड़ता है, उस भाग को कनेक्टिव या योजी या संयोजी कहा जाता है। परागकोष जब परिपक्व हो जाता है, तो इसके फटने पर सभी पॉलन ग्रेन्स अर्थात पराग कण या लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पराग कोष के अंदर पराग कणों के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से पूर्ण होती है। एंथर अर्थात पराग कोष का जब निर्माण होता है, तब यह एक सामान्य रचना के रूप में दिखाई देता है। यह चारों ओर से एपिडर्मिस के द्वारा घिरा रहता है और इसके अंदर मेरिस्टमेटिक सेल्स अर्थात विभाज्योत की कोशिकाएं भरी होती हैं। अब एंथर के चारों कोनों पर एक एक कोशिका अपने आकार को बढ़ाती है और अन्य कोशिकाओं से अलग दिखने लगती है। इन चारों कोशिकाओं को आर्चिस्पोरियल सेल अर्थात प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। एंथर के मध्य भाग में जल और भोजन की सप्लाई के लिए कुछ संवहन ऊतक विकसित होते हैं। अब आर्चिस्पोरियल सेल एक परिणत अर्थात पेरिक्लिनल विभाजन द्वारा विभाजित होकर
परिधि की ओर एक प्राइमरी पैराइटल सेल तथा अंदर की ओर एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती हैं। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। पैराइटल सेल्स के विभाजित होते रहने के कारण तीन प्रमुख स्तरों का निर्माण होता है। ये स्तर एपिडर्मिस के नीचे बाहर से अंदर की ओर क्रमशः एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स तथा टैपिटम के नाम से जाने जाते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में बदल जाती हैं। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अर्थात लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में विभाजन होता है तो अनेक अगुणित लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। यह विभाजन सदैव अर्धसूत्री प्रकार का होता है। टैपिटम की कोशिकाएं लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती हैं। कभी कभी मिडिल लेयर्स की कोशिकाएं भी लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और अंत में ये नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार एंथर की परागधानियों अर्थात पॉलन सैक में अनेक अगुणित पराग कणों का निर्माण हो जाता है। पराग कणों को लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। पराग कोष के फटने पर सभी लघु बीजाणु अर्थात पराग कण मुक्त हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे नर युग्म कोदभिद अर्थात मेल गैमिटोफाइट अथवा लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर अथवा पराग कण की संरचना। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नर युग्म कोदभिद के विकास की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें कि नर युग्म कोदभिद वह अवस्था होती है जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। पराग कण के अंदर भी नर युग्मक बनते हैं, अतः पराग कण को ही नर युग्म कोदभिद अवस्था कहा जा सकता है। चित्र के माध्यम से आप नर युग्म कोदभिद अर्थात पराग कण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। पराग कण के चारों ओर दो आवरण होते हैं, जिनमें से बाहर वाले स्तर को एक्जाइन तथा अंदर वाले स्तर को इंटाइन कहा जाता है। भीतर की ओर कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसमें एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। बाह्य आवरण एक्जाइन काफ़ी कठोर और खुरदरा होता है। यह स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ का बना होता है। इसमें बीच बीच में कुछ महीन सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें जर्म पोर कहते हैं। अंदर वाली लेयर काफ़ी पतली और कोमल होती है, जिसे इंटाइन कहते हैं। यह पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। सबसे पहले पराग कण का केंद्रक विभाजन करके दो केंद्रकों में बट जाता है, जिन्हें क्रमशः ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस तो ज्यों का त्यों रहता है, किंतु जेनरेटिव न्यूक्लियस के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित तो होने लगता है और एक भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। अतः अब इसे जेनरेटिव सेल कहा जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस द्वारा कुछ समय पश्चात पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। किसी पराग कण में पॉलन ट्यूब अर्थात पराग नलिका परागण के बाद ही विकसित होती है। जेनरेटिव सेल में एक सामान्य विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो मेल गैमीट बन जाते हैं। ये मेल गैमीट पराग नलिका में चले जाते हैं।